हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एट विल ऑफ माइंड। बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 3। इंग्लिश की वर्कशीट है ये, क्लास 7th के लिए। ग्रामर पोर्शन है बच्चों, वर्ब टू बी। टू बी जो है वर्ब का यूज करना है, इसमें इज एम आर ये टू बी के प्रेजेंट फॉर्म है जिसको हम सीखेंगे आज। टू बी अगर ऐसा लिखा हुआ है और अगर प्रेजेंट फॉर्म बोलता है तो इज एम आर का हम यूज करेंगे। चलिए इज एम आर जान लेते हैं कहां बोलते हैं। सबसे पहले इज और एम दोनों ही सिंगल नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ यूज होते हैं, सिंगल एक चीज के साथ। जैसे ही इज, शी इज, इट इज और आई के साथ एम यूज होता है, ठीक है। ही शी इट यानी कहने का ये मतलब है, ही शी इट या सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ, सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ इज का यूज होता है और आई के साथ एम का यूज होता है, ठीक है। ठीक वैसी ही बात है, मोर देन वन हो यानी एक से ज्यादा नाउन है या प्रोनाउन है जिसको प्लूरल बोलते हैं, ठीक है, प्लूरल, उनके साथ आर का यूज होता है। जैसे यू आर, यू के साथ तो आर का ही होगा, वी आर, दे आर, ठीक है, एंड मोर देन वन प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के साथ आर का यूज होता है। चलिए रीड करते हैं। रीड फर्स्ट सेंटेंस एंड कंप्लीट द सेंटेंस एज इन सॉल्व एग्जाम्पल, ठीक है। इज देखिए यूज किया गया यहां पे, अनिल इज स्विमिंग। अनिल क्या है, सिंगल है, एक है, इज आ गया और अनिल के लिए ही यूज हुआ है तो वो एक ही तो हुआ, तो ही इज 7 इयर्स। एम का यूज आई के साथ होता है, आई एम नॉट लेजी, आई एम स्ट्रॉन्ग, ठीक है। शिप्स, शिप्स यानी मोर देन वन, वन टू प्लूरल हो गया ना, शिप्स आर सेलिंग इन द सी और शिप्स के लिए ही दे यूज हुआ है तो दे बहुत सारे हो गए, है ना। दे आर मूविंग टुवर्ड्स बीच। चलिए क्वेश्चन 2 देखते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस अलाउड ट्वाइस, दो बार पढ़ना है और जो भी टू बी वर्ब है, टू बी वर्ब कौन कौन से प्रेजेंट फॉर्म में, इज, एम और आर, उसको सर्कल करना है। तो देखिए, आई एम हेल्दी, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम हेल्दी, आई एम स्ट्रॉन्ग, ठीक है। ही इज स्ट्रॉन्ग, ही इज स्ट्रॉन्ग, शी इज टैलेंटेड। आपको दो बार पढ़ने हैं सेंटेंस को ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इट इज स्ट्रॉन्ग, इट इज फर्स्ट, वी आर स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, यू आर स्ट्रॉन्ग एंड वाइज एंड दे आर इंटेलिजेंट। दो बार इसलिए पढ़ने को कहा गया है ताकि आपको पता रहे किसके साथ इज, एम या आर आ रहा है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग करेक्ट ऑप्शन, इज एम आर का यूज करना है। आई के साथ क्या आता है बच्चों, तब तो आपको आ गया होगा, आई एम ए गर्ल, ही इज ए बॉय, वी आर चिल्ड्रन। इस पे ध्यान देना है, ये सिंगल है, इस आगे भी एक से ज्यादा है, शी सिंगल है, शी इज हैप्पी, दे आर
in the park. It is cold. You are right. You के साथ are ही आता है. Question 4. Complete the paragraph with is, am, are. चलिए पढ़ते हैं. Hello, I am summer. I study in class 7. I play with my brothers in the evening. He is elder to me. I am 12 and he is 13. We go to the same school. We have a cat. It is white in color. We are always happy together. और आप भी happy रहिए. और एक बताइएगा sentence में लिखती हूँ, ठीक है? I dash a good girl. Fill in the blanks आपको भरना है comment box में, answer बताना है और share और subscribe जरूर कीजिएगा. Take care, bye bye, फिर मिलते हैं.